हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू Q&A वीडियो। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद न्यू Q&A वीडियो आ चुकी है, जो कि पूरी फैमिली के साथ में है। लास्ट टाइम एक बार करी थी हमने, तो हाँ आज पूरी फैमिली साथ में है, बस अम्मा बाबू नहीं है, वो गांव में है ना, तो कोई बात नहीं, उनके साथ में नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो फिलहाल सारे चाचा चाची, कुनाली, पीयूष, मम्मी पापा, साहिल और जो भी आज, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की Q&A वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नीरज शर्मा का, सबसे ज़्यादा शरारती कौन है आप चारों में से? तो ये हम चार आंसर नहीं करेंगे, ये मम्मी बताएगी सबसे ज्यादा शरारती कौन है। मम्मी आप बताओ। कुनाली, क्योंकि पहले पीयूष था, लेकिन जब से कुनाली आया ना भाई, पीयूष को भी छोड़ दिया इसने, इतना ज्यादा शरारती हो गया ना, इतना ज्यादा शरारती, इसकी इतनी हरकतें करता है, मैं इसकी कह रहे पीयूष दा को बोलो ना, लेकिन कई ऐसी हरकतें करता है जो मैं व्लॉग में डाल ही नहीं पाता भाई, इतना शरारती हो गया ना बहुत ज्यादा, इसको संभालना पड़ेगा। तो हमारे घर में सबसे ज्यादा शरारती पहले पीयूष था, अब कुनाली हो चुका है, और सबसे ज्यादा शांत और यू है, सबसे ज्यादा शांत और यू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्मित की तरफ से, आपकी मम्मी पापा की शादी कैसे और कब हुई? कैसे और कब हुई? कैसे हुई? कैसे हुई आपकी शादी? कैसे होती है? कैसे होती है? साथ फेरे लेके, मांग में सिंदूर भर के, साथ फेरे लेके, ऐसे होती शादी? शादी क्या थी? अरेंज मैरिज थी ना। अरेंज ही होती है। और उसमें फूल डालते हैं गले में, फूल डालते हैं गले में, फूल नहीं उसको जयमाला बोलते हैं। कब हुई थी? कब हुई थी? किस सन में हुई थी? 1998। तो 1998 को मम्मी पापा की शादी हुई थी, और शादी हुई थी गांव में हुई थी, जो आपने हमारा गांव वाला घर देखा ना, वहीं पे मम्मी पापा की शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी। तो नॉर्मली ऐसी शादी हुई थी, पापा जी मम्मी को देखने गए, मम्मी पसंद आ गई, बस हो गई शादी। खिलौने तोड़िए, पसंद आ गई। अबे यार, अबे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि राज की तरफ से, सर आप अपनी मम्मी से पूछो कि आपको कैसी बहू चाहिए? कैसी बहू चाहिए? अभी कुछ नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? बताओ ना, बना ही बताना पड़ेगा। नहीं अभी क्यों बताऊं? बता दो, फिर बताऊंगी। रिश्ता लग जाएगा। पूछ रहे ना, क्वेश्चन आंसर है, मम्मी ऐसे थोड़ी ना होता। कैसी बहू चाहिए? सुंदर चाहिए, सुंदर चाहिए, सुशील चाहिए, कहना मानने वाला चाहिए, आज्ञाकारी चाहिए, आज्ञाकारी चाहिए, और बस संस्कारी चाहिए, संस्कारी चाहिए। तो मम्मी जी ने जितना बताना था बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तरिनजीत सिंह की तरफ से, यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के पीछे किसका हाथ है? मेहनत है, हाथ थोड़ी है। हाथ है, मम्मी पापा का हाथ है, क्योंकि देखो सबसे मेन चीज होती है मम्मी पापा के संस्कार, मम्मी पापा का पालन पोषण, ठीक है? अगर वो अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे, ठीक है? अगर वो अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छे नहीं होंगे, हम अच्छे नहीं होंगे तो हम अच्छी वीडियो नहीं बना पाएंगे, अच्छी वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप देखोगे नहीं, तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो सबसे मेन चीज क्या है? मम्मी पापा, मम्मी पापा का हाथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवराज की तरफ से, भाई आपने अपने मम्मी पापा से मार कब खाई थी? प्लीज रिप्लाई, मार कब खाई थी? ये कुछ नई बात नहीं है, पीयूष तो रोज खाता है। एक दिन मुझे याद है मेरे हाथ पैर दोनों बांध दिए थे पापा जी ने रस्सी से, हाथ और पैर दोनों बांध दिए थे और मुझे चारपाई के नीचे डाल दिया था। उस दिन मम्मी ने पीटा था, पापा ने पीटा था, पता नहीं मुझे याद नहीं किस बात के लिए पीटा था, इतना तो पता नहीं है, शायद पढ़ाई के लिए। फोन के चक्कर में होगा, शुरू का फोन था वो, पता नहीं फोन के चक्कर में किस चक्कर में था भाई, मेरे हाथ पैर दोनों रस्सी से बांध दिए थे और मैं चार पैर के नीचे डाल दिया था भाई। भाई ऐसे भी करते, देखो मम्मी ने पीटा था, पापा ने पीटा था, दोनों ने फुल पीटा था, वो मुझे याद है, वो दिन मुझे याद है, वो तो मेरे दिमाग में बस गया। वही सक्सेस का राज, वही सक्सेस का राज है। नहीं ऐसे मत बोलो, कहीं पता लग रहा है सारे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बांध के। फिर थोड़ी देर बाद खोल दिया था। निकले कैसे? भाई चले तो गए, चलो निकले कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीनू की तरफ से, आपकी फैमिली के पास कितने फोन है? सारे फोन लेके आओ भाई। तो गाइस हमारे घर में कुछ इतने फोन है, ये मेरा है 13 प्रो, ये साहिल का है 13 प्रो मैक्स, ये बड़े पापा का है रियलमी वाला, लो ये मेरा 13 है, ये बड़ी मम्मी का 11 है, और ये चाचा का है। चाची का मिल नहीं रहा, चाची का मैंने छुपा दिया था ना कुनाली। चाची के पास दिया एक, बस इतने ही फोन है हमारे घर में, पीयूष और कुनाली के पास कोई फोन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल का, आस्क योर मॉम डैड, क्या वो खुश हैं आपको यूट्यूबर देख के? खुश हो आप यूट्यूबर? बहुत खुश हैं, बहुत खुश। बहुत खुश। आप भी खुश हो? क्यों? कौन से यूट्यूबर को देखा? कौन से यूट्यूबर को देखा आपने? कह रहा मिस्टर इंडियन हैकर को देखा भाई। क्वेश्चन ये था कि मेरे को यूट्यूबर देख के खुश है नहीं है। कह रहा मैं भी खुश हूँ यूट्यूबर को देख के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक का, आप तब कितने साल के थे जब आपने यूट्यूब पहली बार कदम रखा यूट्यूब पे? तो मैं था 16 ही, मैं 16 साल का था, 2017 की बात है, तब मैं 16 साल का था, तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो आज देखो कितने, 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए। हाँ, एक साल का था, सही बात बोल रहा है, जब इसको मैंने वीडियो में दिखाया था ना तभी एक साल का था, इनडायरेक्टली सही बात बोल दी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन कुनाली के लिए है, वाह। तो हिमांशु की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल है, आप कुनाली से पूछो कि आप बड़ा होके क्या बनोगे? ओहो कुनाली, क्या बनोगे बड़े होके? मैं वो बनूंगा। क्या सोच समझ के बताओ अच्छे से, क्या बनना है बड़े होके, आपको क्या अच्छा लगता है? यूट्यूबर। कौन सा यूट्यूबर बनोगे? ब्लॉगर। पढ़ाई कर ले पहले। कर लूंगा यार, छोड़ो। आपके कितने बच्चे हैं यार, ये कौन पूछता है? दो बच्चे। कौन कौन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरुद्दीन खान का, छोटी छोटी बात के लिए लड़ते झगड़ते क्यों? तो गाइज मैं तो लड़ता नहीं, सबसे ज्यादा लड़ता पीयूष है घर में। किससे सबसे ज्यादा? किससे लड़ता हूं? कुनाली से, मुझसे, साहिल से, आपने देखा होगा साहिल और पीयूष की सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। लेकिन कोई बात नहीं, लड़ाई तो होती रहती है, आपके घर में भी आपके सिबलिंग्स होंगे, भाई 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 बहन होंगे, वहाँ लड़ाई तो होती रहती है। तो लड़ाई नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना, अब सब कुछ सही रहेगा तो फिर बोरिंग सा लगेगा, लड़ाई होगी तभी तो एडवेंचरस लगेगा। पिटता है ना पीयूष, पिटता है ना जब साहिल से पिटता है ना, फिर मैं मजे लेता हूँ तो उस प्रोसेस में मजा आता है। तो हाँ इसलिए लड़ाई होनी बहुत जरूरी है ताकि मजा आएगा। भाई हम तो नहीं अभी लड़ोगे, अभी भाई गहरा भी लड़ेंगे, यही दिन तो याद आएंगे बड़े हो गए। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनवीर की तरफ से, व्हाट इज पीयूष ड्रीम प्लेस? तो तेरी ड्रीम प्लेस क्या है? ड्रीम प्लेस जहाँ तू जाना चाहता है, जो तेरी ड्रीम प्लेस है। जाना चाहता हूँ फिलहाल केदारनाथ। ओहो केदारनाथ ड्रीम प्लेस, मेरे को भी जाना है, मेरी भी है यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजार की तरफ से, सम फैक्ट अबाउट योर फैमिली। तो हमारी फैमिली में क्या फैक्ट है, क्या फैक्ट है हमारी फैमिली में बताओ? सबसे बड़ा फैक्ट ये है हमारी फैमिली में कि हमारी फैमिली में सबके सब बहुत सिंपल हैं। आपने देखा होगा मम्मी पापा चाचा चाची, आपको अलग फील नहीं आता कि चाचा चाची अलग हैं, मम्मी पापा अलग हैं, या फिर पीयूष साहिल मैं सब अलग हैं। हम मतलब पूरे घर में सब एक हैं, हमारे अंदर ऐसे ये सारे सिंपल से हैं और सारे अपना मस्ती करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं सारे, और काम करते रहते हैं और फिर रात को सो जाते हैं, फिर ऐसे ही चलता है बस। किसी को मतलब खुद से इतना वो कुछ नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये है, मुझे वो है, सारे अपने मस्त रहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये फैक्ट है मेरी फैमिली का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंकू आर्टिस्ट का, आपकी तरह कामयाब होना है तो क्या करें? अगर आपको कामयाब होना है तो अपने मम्मी पापा कहना मानो बस। और क्या जो खड़ा क्यों हो रहा है, अगर मम्मी पापा कहना मानोगे तो मेरी तरह कामयाब हो जाओगे, ठीक है मम्मी पापा कहना मानो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड बॉय का, सौरभ भाई कभी इमेजिन किया था ये सब होगा? नहीं गाइस, बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था, ये तो बस ऐसे ही स्टार्ट रैंडमली स्टार्ट हो गया था और सब हो गया, कुछ भी इमेजिन नहीं किया था। और अब भी इमेजिन नहीं करते हम कि हमको ये चाहिए, हमको ये करना है, हमको वो करना है, कुछ भी इमेजिन नहीं करते, हम नॉर्मली जीते हैं बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ चेंजेस की तरफ से, व्हेन विल यू इंट्रोड्यूस अस विद साहिल्स मदर एंड फादर? तो ये है साहिल के पापा जी, साहिल की मम्मी जी। यार आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, आपको पता ही नहीं है कि साहिल मेरा रियल ब्रदर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स विवेक का, आप अपनी चाची को अपने व्लॉग में ज्यादा क्यों नहीं लेते? चाची आप व्लॉग में क्यों नहीं आते ज्यादा? जिसमें व्लॉग ना था उसमें मैं काम में लग रही थी ना, कभी तो नहीं आ पाती। चाची ना काफी कम बोलती है, अगर कैमरा ऑन आता है ना तो चाची काफी कॉन्शियस जाती है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा खुलने में ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अली की तरफ से, डू यू लव व्लॉगिंग विद योर फैमिली और ऑल अराउंड? लव यू ब्रो, लव यू टू। तो यार ऑब्वियसली बात है व्लॉगिंग तो फैमिली के साथ में अच्छी, मतलब मेरे को जो भी है सब कुछ फैमिली के साथ में अच्छा लगता है। आपने देखा होगा मेरे को ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है तो मैं फैमिली के साथ में रहता हूँ, तो हाँ व्लॉगिंग अकेले में तो फिर बोरिंग हो जाएगा, अकेले में क्या दिखाऊंगा मैं, फैमिली के साथ में आप लोग भी रिलेट करते हो, कोई पीयूष से रिलेट करता है, कोई कुनाली से रिलेट करता है, कोई मुझसे, कोई साहिल से, कोई मम्मी से, कोई पापा से, कोई चाची से, चाची, तो हर किसी से कोई ना कोई रिलेट करता है। तो हाँ फैमिली के साथ में अच्छा कंटेंट बनता है, अच्छे से मतलब बिल्कुल नेचुरल चीज़ें बनती है, तो हाँ फैमिली के साथ में मजा आता है। तो गाइज इतने ही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने पिक करे थे, तो आई होप आपको पसंद आए होंगे, मजा आया होगा वीडियो में। तो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट करना, नेक्स्ट क्यू एंड वीडियो में पूरी फैमिली के साथ में करेंगे। तो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्यू एंड वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मम्मी पापा कहना ओए सॉरी पापा जी को फोड़ दिया। अगर